मैं आपका सिद्धार्थ लाइव परिवार में, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT दिल्ली। आज लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ फिर से एक जबरदस्त रिव्यू। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड था और बहुत ज्यादा हेल्प किया एक बच्चे ने, मतलब एक स्टूडेंट है हमारा, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया और भी कई स्टूडेंट ने हेल्प किया, लेकिन उस स्टूडेंट का जो हेल्प था वो बहुत ही ज्यादा अहम मायने रखता था। वो है फर्स्ट ईयर के पढ़ने वाले राहुल प्रमाणिक। उन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से जुटाई, तो उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई रिव्यू चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो और मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और मेरे पाठशाला ज्ञान चैनल पर जा सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मेरी पूरी टीम मिलकर अलग अलग ब्रांचेस के हर टाइप के कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स की पढ़ाई कराती है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराती है और जनरल स्टडीज़ की भी पढ़ाई कराती है। तो जाइए तुरंत जाके उस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से नॉलेज की, इंजीनियरिंग नॉलेज को अवेल कीजिए यार, जल्दी से ग्रैब कीजिए। अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो करिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पूरी बेसिक सी बात। एक मुहिम चलाई गई थी मेरे द्वारा, इस मुहिम का मकसद क्या है कि अगर आपका कॉलेज अंडररेटेड समझा जाता है या आपके कॉलेज की ब्रांच अंडररेटेड समझी जाती है, तो मैंने वहाँ पे गूगल फॉर्म नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, तो जाइए वहाँ पूरी डिटेल्स बताइए और जिससे मैं आपके कॉलेज के बारे में रिव्यू कर सकूँ। तो उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा मुझे एंट्रीज मिलती हैं, तो ये वीडियो भी उसी की तरह बन रहा है। चलिए बात करने वाले हैं हम यहाँ BTech स्टूडेंट लाइफ एट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं SMVDU। ये पड़ती है आपकी कटरा जम्मू कश्मीर में। तो चलिए पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड हुई थी 1999, यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर का जो एक्ट है उसके थ्रू इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, और 2006 में यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी ने इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट करके इसे स्टार्ट करवाया गया था। यहाँ पर हर तरीके के कोर्स पढ़ाए जाते हैं आपको, हर तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज देखने को मिलते हैं। ये फुल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ BTech स्टूडेंट लाइफ को डिस्कस करेंगे। चलिए अब आपको बता दूं कि पहली चीज़, IIT जम्मू को छोड़कर ये वन ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे जम्मू कश्मीर में। NIT श्रीनगर जिसको बोलते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका कैंपस आपको मिलने वाला है 475 एकड़ का, और जो बहुत ही सुंदर बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की, पहुंचने की, कि यहाँ तक बच्चे कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए लोकेशन की बात करूं तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि करीब जम्मू से 40 से 50 किलोमीटर दूर त्रिकुटा हिल्स पड़ती हैं, जहाँ पर आपके माँ वैष्णो देवी का धाम बना हुआ है कटरा में, जैसे कि आप जानते हो। उससे करीब 10 किलोमीटर दूर ये पूरी पहाड़ों की वादियों के बीच में बना छोटा सा कॉलेज, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा पीछे पहाड़ आगे पहाड़, बिल्कुल बहुत सुंदर सा रहने वाला है। इसी के सामने SMVDU का फार्मेसी का कॉलेज भी है, और एक्चुअली ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है बट ये सेंट्रल के द्वारा फंडेड है। इसे जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जैसे आप गए होंगे अगर वैष्णो देवी, तो आपने देखा होगा श्राइन बोर्ड की जगह जगह होटल्स मैज बने हुए हैं, तो उनसे ही इसको फंड मिलता है। एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के रूप में ये चलाई जाती है। चलिए अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है तो आपको रेलवे स्टेशन अगर चाहिए तो आप कटरा से 15 किलोमीटर दूर ये यूनिवर्सिटी है, जम्मू से आपको रेलवे स्टेशन के बस के थ्रू आप आ सकते हो 40-50 किलोमीटर दूर, या भी और बस कनेक्टिविटी ईजिली मिल जाने वाली है। इस कॉलेज के अंदर खुद का हेलीपैड भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आते तो इसी यूनिवर्सिटी में रुकते हैं, और आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आते रहते हैं। चलिए ये हो गई, यहाँ पर आपको कोई भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिलने वाला है कैंपस के अंदर। अगर हाँ आप देखना चाहते हैं तो आप कटरा जा सकते हो, कटरा में 10-15 किलोमीटर दूर आपको थोड़ा सा हिल पे, मतलब जो वैष्णो देवी जी का धाम है उसमें आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आप स्नोफॉल देख पाओगे। ठीक है, मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। NIF रैंकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर पहले 2019 में 85 थी, और 2020 में इसकी NIF रैंकिंग 78 है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया है ये, मैं सही में बताऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों को एक बार इसका कैंपस टूर जरूर करना चाहिए। साइड में वीडियो दिख रहा होगा तो आप जाकर वहाँ पर कैंपस टूर भी कर सकते हो साथ साथ। चलिए बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर पूरा एडमिशन प्रोसेस जोसा के थ्रू ना होकर जोसा और इसका खुद का एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं SMVDU EE। यहाँ पर JKCET जम्मू कश्मीर का खुद का स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू यहाँ पे कोई भी
एंट्री नहीं की जाती है, या तो सिर्फ जेई मेन से या तो SMBDEE से की जाती है। तो आधी सीटों को, ऑलमोस्ट हाफ सीटों को जोसा से भरा जाता है, हाफ सीटों को जो उनका खुद का एग्जाम है उससे किया जाता है। तो जोसा का तो आप जानते हैं जेई मेन्स का पेपर कैसा आता है, अब SMBDEE का पेपर कैसा होता है। तो इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि 2.5 घंटा मिलता है, और जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं जेई मेन्स का प्रीवियस ईयर होता है। जैसे अभी पिछले साल का पेपर जो था वो आपका 2015 का जेई मेन्स का रिपीटेड, पूरा का पूरा रिपीटेड पेपर था। तो अगर आप लोग इस पेपर की तैयारी करना चाहते हो, ऐसे वीडियो के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आप जेई मेन्स के पुराने पेपर्स को लगा लीजिए, आप इजीली इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मैं सही बताऊं, अगर CSEC टॉप ब्रांचेस को छोड़ दो कुछ ब्रांचेस में सीट्स खाली रह जाती हैं, जो बाद में SMBDEE से इजीली मतलब आपको मिल जाएगा। रैंकिंग के लिए आप परेशान मत होइए, जेई मेन्स में भी आपको CSAP में जाकर आराम से भी ये कॉलेज मिल सकता है, अगर आप CSAP तक पूरा स्पॉट राउंड तक लास्ट तक जाते हैं इजीली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो SMBDEE के थ्रू आप पहुंच जाइए। यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे बहुत जगह पर रिजर्वेशन होते हैं, यहाँ पे कोई भी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशली रिजर्वेशन नहीं है। ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे ब्रांचेस में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड EE देखने को मिलती है। जिसमें सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो CS में आपके 120, EC में 120, मैकेनिकल में 60, सिविल में 60 और EE में आपको 60 सीट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें अराउंड 30 सीट्स जेई मेन से भर जाती हैं और 30 सीट्स आपकी SMBDEE से भर जाती हैं। लैब्स एंड स्टडी की बात करो तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है मोस्ट ऑफ दम NITs से PhD हैं, कुछ IITs से भी PhD हैं, और जनरली आपको यहाँ कोई भी गेस्ट फैकल्टी देखने को नहीं मिलेगी, सारी परमानेंट फैकल्टी, और फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है। एकेडमिक के मामले में मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको लैब्स भी फुल्ली डेवलप्ड लैब्स मिलेंगी यहाँ पर। अभी अभी MHRD ने 3D प्रिंटिंग की एक बहुत बड़ी लैब इस्टेब्लिश की है, पिछले साल ही की है, बन चुकी है, लेकिन अभी कोरोना के चलते वो चालू नहीं हुई। लेकिन लैब्स में ये है कि लैब्स में ऑपरेटर थोड़े से कम हैं, तो ज़्यादातर मशीनें बिल्कुल वैसे ही रखी गई हैं, बस ऊपर ऊपर बता दिया जाता है, प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता है, और कराया जाता है थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली भी हमें मशीनों को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी थ्योरी से कुछ नहीं होता। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊँ, यहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मैंने आपको लैब्स का भी बता दिया, ठीक है। अब क्लब्स की बात बताऊँ तो यहाँ पर सच में सिर्फ कोडिंग क्लब ही काम करता है, जैसे क्लब्स तो बहुत सारे हैं लेकिन असली जो काम करते हैं वो कोडिंग क्लब्स काम करते हैं, कोडिंग क्लब बढ़िया काम करता है, बाकी सारे क्लब में ऐसे ही नाम की क्लब बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर मैं बात बताऊँ फीस स्ट्रक्चर की, तो आपको पर ईयर यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको पूरा 213,750 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मैस, हॉस्टल से लेके हर टाइप की जो भी फैसिलिटी आपकी लगने वाली है कॉलेज के अंदर आपको पूरी इंक्लूडेड होगी, करीब 213,000 में। तो आपका ऑलमोस्ट जो आपका इंजीनियरिंग होगा वो 7.5 से 8 लाख रुपए तक आपको पढ़ने वाला है। हॉस्टल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेंगे, 3 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्सेज वाइज हॉस्टल नहीं बने हैं, लाइक जैसे बीटेक का अलग हॉस्टल है, एमटेक का अलग हॉस्टल है, नहीं, यहाँ पे ईयर वाइज हॉस्टल बने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे बहुत सारे बच्चे हो गए जो अंडर ग्रेजुएशन के बहुत सारे कोर्सेज में है लेकिन बीटेक के नहीं है, तो मिक्स रहते हैं, सेकेंड ईयर वाले सारे एक साथ रहते हैं, थर्ड ईयर वाले एक साथ, फोर्थ ईयर वाले एक साथ, ऐसा पूरा सीन रहता है। तो हर हॉस्टल में आपको डबल सीटर रूम देखने को मिलेंगे और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चों को यहाँ पर सिंगल सीटर रूम मिलता है। तो हॉस्टल में बात करूँ तो यहाँ पर पाँच, जैसे मैंने बताया बॉयज़ हॉस्टल हैं, तो फर्स्ट ईयर के जो हॉस्टल हैं वो भसोली करके एक हॉस्टल है जो अभी न्यूली बिल्ट है, उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं। तो हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या वगैरह रहता है अब हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ हॉस्टल्स के नाम लाइक शिवालिक ए, शिवालिक बी, नीलगिरी वगैरह वगैरह हैं, तो वो उतना मैटर नहीं करता। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पे जो न्यू हॉस्टल्स हैं उनमें खुद का अपना ओन मैस है, पर जैसे जो पुराने हॉस्टल हैं लाइक नीलगिरी वगैरह, उनका एक सेंट्रल मैस बना हुआ है बाहर अलग से, तो वो बच्चे वहाँ खाने जाते हैं। लेकिन ऑल ऑफ द जो नए हॉस्टल्स बन रहे हैं उनमें खुद का अपना खुद का मैस है। और हॉस्टल के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको कल्चरल एक्टिविटी का रूम मिल जाएगा जिसमें TV वगैरह होगी, और आपको हॉस्टल के अंदर ही 2-3 बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, टेबल टेनिस के लिए खेलने के लिए मिल जाएगा, तो आपको उसके लिए भी सामान कॉलेज से इजीली मिल जाएगा, जाओ खेलो बस मजे करो, ठीक है। हॉस्टल ही के अंदर आपको एक नेस कैफे मिल जाता है, नेस कैफे में आपको छोटी सी कैंटीन रहती है, वो रात को 2-3 बजे तक खुली रहती है, तो हॉस्टल के अंदर जाके बच्चे कभी भी खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। चलिए टाइमिंग की बात कर लेते हैं, कैंपस 10 बजे क्लोज हो जाता है, 10 बजे का ना गेट लग जाते हैं, ना कैंपस में कोई अंदर आ सकता है, ना कैंपस से कोई जा सकता है। गर्ल्स के हॉस्टल 8 बजे पैक कर दिए जाते हैं, गर्ल्स नहीं निकल सकती हैं चाहे लाइब्रेरी क्यों ना जाना हो, बस एग्जाम टाइम में निकल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता है, ना कोई इतना ज़्यादा कोई लंबा प्रोसीजर होता है। बॉयज़ की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल 8:30 बजे बंद कर दिए जाते हैं कि कोई सीनियर उन्हें तंग ना करे, ठीक है। और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं उसमें
आप लोगों को रात भर आप कैंपस के अंदर घूम सकते हो, बस कैंपस से बाहर नहीं जा सकते, है ना। कैंपस के कैंटीन वगैरह का मैंने आपको पूरा सीन बता दिया, उसके साथ साथ मैं बता दूँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ है जिसके अंदर हर टाइप की आपको शॉप मिल जाए, शॉप मिल जाएगी, बार्बर शॉप हो गई, CCD वगैरह हो गया, आपको फूड के लिए एक ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट टाइप का मिल जाएगा जहाँ आप पार्टी वगैरह कर सकते हो, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी 24/7 खुली रहती है, तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ तक के बच्चे कभी भी जाके रात में पढ़ सकते हैं, एग्जाम टाइम में लाइब्रेरी पूरी भरी रहती है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी, एक अलग ही सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है, तो लाइब्रेरी का तो बहुत ही अच्छा है मैं कहूँगा। तो स्पोर्ट्स की बात करो तो इंडोर एंड आउटडोर आपको हर तरीके के स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलने को मिल जाएंगे। इंडोर में आपको बैडमिंटन कोर्ट वगैरह मिल जाएंगे, ओपन भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे आपको क्रिकेट फुटबॉल के लिए पूरा मिल जाएगा, तो ये सब स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है मैं बताऊँ। अटेंडेंस यहाँ पर 75% कंपलसरी है, यहाँ पर रैगिंग का कल्चर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत इंट्रो हो सकता है, थोड़ा बहुत सीनियर बात कर सकते हैं म्यूचुअल, है ना, लेकिन रैगिंग वगैरह तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर, सही बता दूँ। गेट प्रिपरेशन के लिए बताऊँ तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर मिली गेट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो एस अकेडमी का आपने नाम सुना होगा, एस हैदराबाद, तो कॉलेज वालों ने क्या करके रखा है, एस के कोर्सेज खरीद लेते हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं हर बच्चे को, ब्रांच वाइज जो भी है, तो आप एस के अकेडमी के मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। टीचर्स पढ़ाने नहीं आएंगे लेकिन आपको पोस्टल कोर्सेज वगैरह सारे कॉलेज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे, तो आप गेट की प्रिपरेशन यहाँ पे ईजिली कर पाओगे। हाँ क्योंकि यहाँ पे जम्मू वगैरह में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो आप चाहो तो सैटरडे संडे जाके कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो एस का तो आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर NPTEL से कोर्स करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके कोई पैसे नहीं लगने वाला है, कॉलेज वाले आपके लिए फ्री कर देते हैं, गेट के फॉर्म के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ऐसे ग्रांट्स छोटे मोटे ग्रांट्स यहाँ पर आते रहते हैं, और बहुत सारे जैसे कोर्सेज वगैरह से कोर्स करने हो तो उसके लिए भी कॉलेज फ्री करवा देता है, तो बहुत अच्छी बात है। अदर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो बस सर्विस है कॉलेज की, जो बसेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स उससे नहीं जा सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, आप ऑफन बहुत जल्दी आसानी से सैटरडे संडे लोग ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, त्रिपुरा हिल्स पे और वैष्णो देवी वगैरह घूमने चले जाते हैं, आप जानते हो वैष्णो देवी 15 किलोमीटर की चढ़ाई, तो बढ़िया मज़ा रहता है यार, बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल पूरा सुहावना रहता है आपका, चाहे ठंड हो चाहे विंटर हो, ठीक है। यहाँ पे लॉट ऑफ फेस्ट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, सबके अपने अपने फेस्ट है। वैसे फेस्ट में कुछ फेमस फेस्ट है जैसे तिच्छा हो गया, तत्वा हो गया, विकल्प हो गया, ये सारे अच्छे फेस्ट हैं, बहुत मतलब फेस्ट बहुत बड़े लेवल के तो नहीं लेकिन एक अच्छे लेवल के होते हैं। मैं आपको सही बताऊं ये जम्मू कश्मीर का सेंट्रल पॉइंट है, अगर कुछ भी जम्मू कश्मीर के कॉलेज में कुछ भी होना होता है तो पहले SMBDO में आती है, SMBDO ही पूरा मैनेज करता है, तो क्योंकि वन ऑफ द एक नॉन यूनिवर्सिटी है, और पहले क्या होता था यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते थे यहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन करने, अब यहाँ पे गवर्नर्स भी आ जाते हैं कभी कभी, और आए दिन आपको कोई ना कोई बड़े मतलब आप लोग बड़े जो आप कह सकते हो कि पॉलिटिशियंस वगैरह के आपको इजीली यहाँ पर स्पीचेस सुनने को मिल जाएंगे। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट तो थोड़ा एवरेज ही है, इस साल यहाँ पे 2019-2020 में 200 बच्चे प्लेस हुए थे, तो 200 बच्चे प्लेस हुए थे जिसमें 24 कंपनीज आई थी, और एवरेज पैकेज 3.75 लाख पर एनम का रहा था, हाईएस्ट पैकेज 7 लाख पर एनम का रहा था। कोई आपको अगर 36 लाख बता रहा है तो कभी कभार गया होगा, लेकिन ऐसा इस साल तो नहीं गया था, मतलब 2019-2020 में तो नहीं गया था, 2020 के अभी तक प्लेसमेंट स्टैटिक्स नहीं आए हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्लेस करती हैं वो इन्फोसिस करती है, विप्रो करती है, TCS करती है, टेक महिंद्रा कॉग्निजेंट करती है, पर अगर आप टेक्निकल कंपनीज में जाओगे तो आपको बर्जर पेंट, ऑरेंज ये वगैरह देखने को, कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाकर जारो एजुकेशन, बायजूस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को इजीली मिल जाएंगे। तो प्लेसमेंट का एवरेज प्लेसमेंट है, मैं ये कहूँगा ठीक है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि NIT श्रीनगर में भी उतना अच्छा माहौल नहीं है, पढ़ाई का कल्चर बहुत ख़राब है वहाँ पर, तो उसके कंपेरिजन में SMBDO तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहले क्या होता था यहाँ पे IIT जम्मू की भी क्लासेस यहीं पर लगती थी, क्योंकि IIT जम्मू बना नहीं था तो यहाँ पे ही उनके बच्चे पूरा क्लासेस वगैरह करने आते थे। तो ये पूरा एक रिव्यू था जो मैंने SMBDO यूनिवर्सिटी के ऊपर, मतलब श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के ऊपर किया। तो अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस रिव्यू को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रुकिएगा मत, है ना, अच्छे अच्छे रिव्यू लाता रहूँगा। और मुहिम को ध्यान रखिए, अगर आप लोग किसी इंस्टीट्यूट के हैं और अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, जाइए डिटेल्स भरिए और हमसे कॉन्टैक्ट कर इन्फॉर्मेशन दीजिए, और मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, और पाठ सारा ज्ञान पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके मतलब का इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ मेरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। नमस्कार।